हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 के साइंस बुक के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस चैप्टर के अंदर में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट द सेम फंक्शन इज नॉन एज एन ऑर्गन सिस्टम। देखिए, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्गन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन का मतलब होता है शरीर के भीतरी अंग, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन। जैसे हो गया हमारा हार्ट, लंग्स हो गए, ये क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, और ऑर्गन का एक ग्रुप जो कि एक समान काम को करने के लिए एक साथ काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट द सेम फंक्शन इज नॉन एज एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, मान लो जब हम लोग कोई फूड खाते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? हमारे माउथ में जाता है। ठीक है, हम लोग मुंह के द्वारा कोई भी फूड को खाते हैं, फिर वो माउथ से होते हुए हमारे फूड पाइप में जाता है, फिर फूड पाइप से वो स्टमक में जाता है। ठीक है, फिर स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर बिग इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो फूड हमारा एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। तो यह जो पूरा प्रोसेस है, मतलब जो ये प्रोसेस को करने में हमारे जो ऑर्गन भाग ले रहे हैं उनके ग्रुप को हम लोग कहेंगे। जैसे कि हमारे भोजन को खाने से लेकर पचाने तक जो भी ऑर्गन इसमें काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनके ग्रुप को हम लोग कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इच पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर टू ग्रो एंड रिपेयर इट सेल्फ। द फूड एंड वाटर दैट वी टेक इन एंड द ऑक्सीजन वी ब्रेथ इन हैव टू बी सेंड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। द ऑक्सीजन सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर थ्रू आउट आवर बॉडी इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को क्या है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है और वाटर की जरूरत होती है। तो इससे हमारे जो बॉडी पार्ट्स क्या है, ग्रो करते हैं और खुद को रिपेयर करते हैं। अब बॉडी पार्ट्स को वो सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? जब हम लोग खाना खाते हैं, है ना, फूड से मिलता है, वाटर पीते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन मिलता है। ये सारी चीजों को, जैसे डाइजेस्टेड फूड हो गया, वाटर, ऑक्सीजन को, ये ऑर्गन सिस्टम क्या करता है, इन सारी चीजों को हमारे बॉडी के हर पार्ट में, हर जगह में लेके जाता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्टेज फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। लेट अस लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल्स। ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के सभी पार्ट से वेस्टेज को कलेक्ट करता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या है हमारा? दैट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेकअप द सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी। हार्ट हो गया, ब्लड और ब्लड वेसल्स मिलके ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। अगला टॉपिक है हार्ट। द हार्ट लाइज बिटवीन आवर लंग्स स्लाइडली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। इट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। हार्ट हमारे लंग्स के बीच चेस्ट के लेफ्ट की ओर स्थित होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर, ऐसा नहीं कि पूरा लेफ्ट की ओर रहता है, मतलब थोड़ा सा चेस्ट के थोड़ा सा लेफ्ट की ओर रहता है। और इसका साइज कितना होता है? ये हमारी मुट्ठी, जब हम लोग मुट्ठी बांधते हैं ना इस तरह, तो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर्स। द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स एंड द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। देयर आर वाल्व्स बिटवीन द अपर एंड द लोअर चैम्बर्स। दिस वाल्व्स अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। मान लो ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा हार्ट है और इसमें कितने चैम्बर हैं? फोर चैम्बर हैं।
1, 2, 3, 4, ठीक है। और ऊपर के टू चैम्बर्स को हम लोग का कहा जाता है ऑरिकल्स, और नीचे के टू चैम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है, हमारा वाल्व होता है। और वाल्व का क्या काम होता है, ये ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ब्लड यहाँ आ रहा है, तो ये क्या करता है, वाल्व यहाँ पे लगा रहता है, वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से अगर नीचे आएगा लोअर, तो ये इधर ही आने देगा, ऐसे नहीं कि ये रिटर्न पीछे चला जाएगा, ठीक है। उसका काम ही होता है वाल्व का, वो ब्लड को एक ही दिशा में, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। फंक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट का फंक्शन क्या है। द हार्ट इज अ स्ट्रोंग मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट क्या है, एक स्ट्रोंग मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज लाइक अ पंपिंग मशीन, और ये कैसे है, एक पंपिंग मशीन की तरह है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस कंटिन्यूअसली टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यहाँ हमारे शरीर के सभी पार्ट में क्या करता है, ब्लड पंप करने के लिए लगातार क्या करता रहता है, सिकुड़ता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, सिकुड़ता है, और रिलैक्सेस मतलब और आराम करता है, ठीक है, रिलैक्स। अगला टॉपिक है ब्लड। ब्लड इज अ रेड लिक्विड दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज फ्रॉम देम। इट ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। देखो ब्लड क्या है, एक रेड कलर का लिक्विड है, ये तो हमें सभी को पता है, ब्लड कैसे दिखता है, रेड कलर का दिखता है ना, तो ये एक रेड कलर का लिक्विड है जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। और इस ब्लड वेसल्स में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। ब्लड हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे सभी बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर पाते हैं। और ब्लड क्या करता है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और दूसरे वेस्टेज हो गए को उसको कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब्स दैट फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट आवर बॉडी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है कि थिन ट्यूब की तरह होते हैं, एकदम पतले पतले, जो कि हमारे पूरे बॉडी में एक नेटवर्क की तरह फैले हुए हैं। ब्लड वेसल्स थ्री टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, आर्टरीज से, वेन से, कैपिलरीज से, ठीक है। तो आर्टरीज का क्या काम है, आर्टरीज क्या होते हैं, देखो आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, दे हैव थिक वॉल्स। आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज का काम है कि वो हार्ट से ब्लड को लेके आता है हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, और इसका जो वॉल्स है वो थिक होता है। अगला है वेंस। वेंस कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, दे हैव थिन वॉल्स। अब वेंस क्या करता है कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, उनसे वो ब्लड को लेके जाता है कहाँ तक, हार्ट तक जाता है, ठीक है। हम लोग का आर्टरीज क्या करता था, वो हार्ट से लेके आता था ब्लड को बॉडी पार्ट्स में, और वेंस क्या कर रहा, बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके जा रहा है हार्ट में, ठीक है। और इसके वॉल्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं। अगला है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स। ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज टेक प्लेस थ्रू द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज ब्लड वेसल्स में क्या होती है, सबसे पतली होती है, ठीक है। कैपिलरीज के जो वॉल्स है उसके थ्रू गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज का क्या होता है, लाना ले जाना होता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है। अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। वेंस ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। दिस ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड ए वेस्ट गैस। द हार्ट देन पम्प्स दिस ब्लड इनटू द लंग्स। इन द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड देन कम्स बैक टू द हार्ट। द हार्ट पम्प्स दिस ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द आर्टरीज। दिस आवर ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। दिस साइकिल गो। अब इसको हम लोग एक फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा हार्ट है, ठीक है, मान लेते हैं हार्ट है, हार्ट तो इसे दिखता नहीं है बट ये मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं, है ना। अब क्या होता है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब बॉडी पार्ट से वेंस क्या करता है, अब हमें पता है वेंस से और उसके थिन वॉल्स होते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो आर्टरी से, जिसके थिक वॉल्स होते हैं।
अब बॉडी पार्ट से, अब विंस क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके जाता है ना, ब्लड को लेके वो जाता है कहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है। तो और विंस में क्या होता है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, मतलब इम्प्योर ब्लड रहता है, ठीक है। तो विंस इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है हार्ट में। अब हार्ट क्या करता है, जो ये इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड को दे देता है लंग्स को, ठीक है ना, कि बोलता है कि चलो तुम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा के मुझे इस ब्लड को साफ करके दो। तो लंग्स क्या करता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है और ऑक्सीजन को कैच कर लेता है। मींस बोलने का मतलब है कि जब हम लोग सांस ले रहे हैं भी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, तो जब ये हम ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं अंदर, तो लंग्स क्या करता है, उसको तुरंत कैच कर लेता है ऑक्सीजन गैस को, ठीक है। फिर वही वाला ब्लड क्या करता है, अब फिर वही ब्लड हार्ट को दे देता है वापस, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा के। फिर वो तो अब प्योर हो गया हमारा ब्लड, ठीक है, फिर हार्ट को लंग्स दे देता है। फिर हार्ट क्या करता है, वहां पे आर्टरीज से, हार्ट से आर्टरीज लेके आता है हमारे प्योर ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। हार्ट से फिर आर्टरीज लेके आता है हमारे बॉडी पार्ट्स तक, जिसमें ऑक्सीजन है, प्योर ब्लड है, और ये आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ये ब्लड को दे देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बॉडी पार्ट्स में हमारे ऑक्सीजन को दे देता है, फिर वहां से हमारा अब कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, ठीक है। तो उसको फिर विंस वहां से ले लेता है, उस इम्प्योर ब्लड को ले लेता है विंस, फिर से दे देता है हार्ट को, दे देता है। फिर हार्ट क्या करता है, लंग्स में दे देता है कि साफ करके दो। फिर वहां से लंग्स फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर हार्ट को देता है। फिर हार्ट से आर्टरीज लेके आता है ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी पार्ट्स में। तो इसी तरह से ये पूरा साइकिल हमारा इसी तरह चलते रहता है, ठीक है। एज द ब्लड मूव्स थ्रू ब्लड वेसल्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट पिक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ब्लड क्या करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड वेसल्स के द्वारा चलता है ना, यहाँ न्यूट्रिएंट्स को उठाता है और फिर उन्हें हमारे शरीर के सभी पार्ट्स में पहुंचाता है। ब्लड आल्सो कलेक्ट्स वेस्टेज फ्रॉम द लिवर एंड अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन अ सिमिलर वे एंड हेल्प्स इन रिमूविंग देम फ्रॉम द बॉडी। इसी तरह से ब्लड क्या करता है, लीवर और हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों से, मतलब दूसरे पार्ट से वेस्टेज को कलेक्ट करता है और उन्हें शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो, द टू मेन वेन्स आर सुपेरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इन्फीरियर वेना केवा फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। तो देखो कि टू मेन वेन्स है, क्या क्या, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है ना, बॉडी का मतलब अपर पार्ट है, उससे ब्लड को हार्ट तक लाता है। और इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है कि हमारे बॉडी के जो निचला हिस्सा है उससे ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, ठीक। अगला टॉपिक है हार्ट बीट एंड पल्स। द हार्ट कंटिन्यूअसली पम्प्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स प्रोड्यूस अ साउंड और बीट, इट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। देखो जो हमारा हार्ट है वो क्या कहता है, हमेशा हमारा लगातार वो ब्लड को पंप कर रहा है ना हमारा हार्ट, तो किससे, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सेशन के द्वारा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, हार्ट से एक साउंड निकलता है जिसे हम लोग बीट कहते हैं, ठीक है, थीके? और इसे क्या कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उससे एक साउंड निकल रहा है, बीट निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट, ठीक है। डॉक्टर्स, हमारा हार्ट कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उससे एक साउंड निकल रहा है, बीट निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट, ठीक है। द हार्ट ऑफ अ हेल्दी पर्सन बीट्स अबाउट 20 टाइम्स इन अ मिनट। और एक हेल्दी पर्सन में हार्ट बीट कितना होता है, 70 टाइम्स
इन अ मिनट, एक मिनट में 70 टाइम्स बार होता है, ठीक है, हार्ट बीट होता है। वी कैन फील आवर हार्ट बीट बाई कीपिंग आवर हैंड। और हम लोग इसको कैसे फील कर सकते हैं, हम लोग का जहाँ पे हार्ट है लेफ्ट साइड है ना, वहाँ पे हम लोग हाथ रख के हम लोग अपना हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। यूज अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू हार्ट बीट्स। अब जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो देखोगे उन लोग कान में, दोनों कान में लगाते हैं, एक मशीन रहता है और फिर आपके चेस्ट में एक लगा के सुनते हैं। वो क्या सुनते हैं, आपके हार्ट बीट्स। और इस मशीन को कहा जाता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा आपके हार्ट बीट को सुनते हैं। द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट कॉजेस अ रिदमिक वे मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज, दिस इज कॉल्ड पल्स। हार्ट द्वारा ब्लड को पंप करने से आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड एक रिदमिक वे में मूवमेंट होता है, ठीक है, इसे पल्स कहते हैं। द पल्स रेट शो हाउ फास्ट आवर हार्ट इज बीटिंग। वी कैन फील आवर पल्स बाय पुटिंग टू फिंगर्स ऑफ वन हैंड ऑन द रिस्ट ऑफ द अदर हैंड। अब हार्ट पल्स से हमें क्या पता चलता है कि हमारा हार्ट कितनी तेजी से धड़क रहा है। और इसे हम लोग पता कर सकते हैं, हम लोग अपने कलाई में क्या करेंगे, टू फिंगर्स से अपना हाथ में, टू फिंगर्स को हैंड में रखेंगे और कलाई में, ठीक है, और उससे हम अपने पल्स को फील कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, फॉर अ हेल्दी हार्ट, एक हेल्दी हार्ट के लिए हमें क्या करना है। हेल्दी फूड हैबिट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू कीप आवर हार्ट हेल्दी। अब हमें हेल्दी है फूड हैबिट्स अपनाने चाहिए, हेल्दी हेल्दी फूड्स खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड सच एज चिप्स, कोलाज, आइसक्रीम एंड नूडल्स। अब हमें क्या करना है, हमें हेल्दी फूड्स लेना है, हमें चिप्स, कोलाज, आइसक्रीम वगैरह, नूडल्स ये सब नहीं खाना है। फैटी एंड सुगरी फूड्स आर नॉट गुड फॉर द हार्ट। और फैटी और जो सुगर वाले फूड्स हैं वो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है, तो इन्हें हमें कम से कम खाना चाहिए, जितना कम हो सके। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। सम गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। अब हमें जॉगिंग कर सकते हैं, है ना, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज हो गए। वी कैन ऑल्सो गेट इनफ एक्सरसाइज बाई प्लेइंग आउटडोर गेम्स। और हम जो खेलते हैं ना, आउटडोर गेम्स जो खेलते हैं, उससे हमारा एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। वेन वी एक्सरसाइज मोर ब्लड इज पम्प थ्रू आउट द बॉडी। अब हम लोग जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, हमारा जो हार्ट क्या होता है उतना जल्दी ज़्यादा पम्प करता है, और इससे हमारे बॉडी को क्या होता है, दिस मोर ऑक्सीजन रिच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी पम्प होगा, और इससे हमारा ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में अच्छे तरह से फैल जाएगा, अच्छी तरह से मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, इससे हमारे हमारा बॉडी एकदम हेल्दी रहेगा। योगा फॉर अ हेल्दी हार्ट। योगा इज वेरी गुड फॉर द माइंड एंड द बॉडी। इट इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन इन आवर पोस्चर। देखो योगा क्या है, हमारे माइंड के लिए और हमारे बॉडी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। वील फोकसिंग ऑन डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग बेनिफिट्स आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम द मोस्ट, विच इन द टर्म हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। तो हमें ना डीप ब्रीदिंग में फोकस करना चाहिए, मतलब गहरी सांस लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, को बहुत बेनिफिट्स मिलता है, और यह हेल्प करता है हमारे हार्ट को अच्छे से काम करने में। सर्टेन योगा आसन हेल्प टू मेक द हार्ट हेल्दियर एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। अब मान लो हम लोग कुछ आसन करते हैं, योगा आसन करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है और ब्लड सर्कुलेशन में भी इम्प्रूव होता है। सम सच आसन्स आर तड़ासना, जैसे तड़ासना कर सकते हैं, और है उत्तीर्था, हस्त पदासना, फिर है वीरभद्रासना और भुजंगासना। तो ये आसन है, हमें इन आसन को करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।